नमस्ते है जी, एंशिएंट हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना रेकी मास्टर। दोस्तों, आज छोटा सा कन्फ्यूज़न है कि हीलिंग प्रैक्टिस रेगुलर कैसे करें, कि शक्तिपात तो आपने ले लिया, अब शक्तिपात के बाद हीलिंग प्रैक्टिस रेगुलर कैसे होनी चाहिए। इस सवालों में बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं। क्या 24 पॉइंट की हीलिंग होनी चाहिए या सिर्फ 7 चक्र की हीलिंग होनी चाहिए, या कितनी देर की हीलिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या कोई अलग से मेडिटेशन करना चाहिए। सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको दूंगा। दोस्तों, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझसे रेकी हीलिंग सीखे हैं, सीख रहे हैं, उनको मैं सिखाता हूँ और आज आपको भी सिखा रहा हूँ कि रेकी हीलिंग का अब तक का सबसे बेहतर और सबसे बेहतरीन हीलिंग प्रैक्टिस है, सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस जो है आधे घंटे की होनी है। क्योंकि 24 पॉइंट की जो हीलिंग है वो 1 घंटे 20 मिनट का प्रोसेस है, जो कि हीलर्स नहीं करते। शुरू के कुछ दिन करते हैं और फिर भूल जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, कंसिस्टेंट नहीं हो पाते तो आगे नहीं कर पाते। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सिर्फ 7 चक्रास हीलिंग कीजिए। 24 पॉइंट को भी कभी करना, लेकिन वो कम समय में मैं करना सिखा दूँगा किसी वीडियो पे। लेकिन 7 चक्रास हीलिंग ज़रूर कीजिए अपने 7 चक्रों की, सिर्फ आधे घंटे के लिए ये प्रैक्टिस होगी। कैसे होगी समझना। पहले के 4 मिनट, फिर 21 मिनट और 5 मिनट, 4, 21 और 5, समझ गया ना, 4, 21 और 5, ये मिनट्स के कॉम्बिनेशन से हम अपनी हीलिंग करेंगे। तो आइए मैं सारी प्रक्रिया आपको समझाता हूँ। हमने रेकी हीलिंग को कॉल किया, ओ मदर नेचर, ओ महारेकी शक्ति, हे ब्रह्मांडी चेतना, हे प्राण ऊर्जा, हे मेरे सद्गुरु, हे ब्रह्मांड की पवित्र आत्माएं, आपकी कृपा से महान रेकी शक्ति आइए और मेरी हीलिंग में मेरी मदद कीजिए। महान रेकी शक्ति मेरे 7 चक्रों में समा कर, मेरे 7 चक्र में उतरते हुए मेरे 7 चक्रों में समा कर, मेरे पूरे शरीर में घूमते हुए मेरे हाथों में स्पंदित हो रही है। बहुत बढ़िया, और मेरी सेल्फ हीलिंग में मेरी मदद कर रही है। अब मान लेते हैं कि आप लेवल 1 पे हो, किसी भी लेवल पे यही प्रैक्टिस करेंगे, चाहे सिंबल्स कितने भी सारे हो। अब हम चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो, सहेकी सहेकी सहेकी, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो, बिल्कुल वैसे ही चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो, सहेकी सहेकी सहेकी, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। और इस तरह से अपने सिंबल्स को अपने हाथों में रखने के बाद फिर अपने ऑरा में वही चीज़ करेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो, सहेकी सहेकी सहेकी, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। अब आप आगे के लेवल पे जा चुके हैं तो आपके पास होंशा जोशनिन होंगे, उसको भी रख लीजिए, हाथ में भी वैसे ही ड्रॉ करेंगे। होंशा जोशनिन को इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, अपने ऑरा में ड्रॉ कर लीजिए, डाइकोमियो ड्रॉ कर लीजिए, हाँ ऑरा में ड्रॉ कर लीजिए, आँख मिदास स्टार, जो जो सिंबल्स है सबको यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। अगर आप ग्रैंड मास्टर में हो तो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कल्पना करना काफ़ी है। अब इस तरह से आप तैयार हो चुके हैं। अब हाथों में ये बना लिया है आपने, नाउ ये कॉलिंग से पहले प्राणायाम कर लीजिएगा, इस कॉलिंग से, ये रेकी कॉलिंग से पहले प्राणायाम कर लेंगे। प्राणायाम कौन सा, अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्यों, क्योंकि आप बाकी प्राणायाम नहीं कर सकते, जैसे कि कपालभाति प्राणायाम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अभी अभी पानी पिया है। जैसे कि मैंने सिखाया है कि हीलिंग से पहले, कोई भी मेडिटेशन से पहले पानी पीना ज़रूरी है। अच्छा, थोड़ा और इसको डिटेल कर लेते हैं, आपको पता है, फिर मैं बता दूं कि मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि हम जो हीलिंग में जो नियम का पालन करते हैं वह है एक आसन, एक वस्त्र और एक पानी का बर्तन। एक आसन जो रोज़ आप हीलिंग प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं, एक कपड़ा जो आप रोज़ हीलिंग करते हुए इस्तेमाल करते हैं, और एक पानी का बर्तन जो हीलिंग से पहले रोज़ पानी पीते हैं। वो तांबे का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, कांच का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, या कांसे का हो सकता है। कुछ ना हो तो स्टील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने पानी ग्रहण किया परमात्मा से प्रार्थना करके कि हे परमपिता परमात्मा,
मैंने आज रेकी हीलिंग करनी है, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए, अपनी सेल्फ हीलिंग में मेरी सहायता कीजिए, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए, बोल के ये पानी आपने ग्रहण कर लिया, ठीक है। फिर आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया थोड़ी देर के बाद, या चाहो तो रेकी हीलिंग कॉलिंग कर लो जैसे कि मैंने अभी कॉलिंग कर ली, उसके बाद भी अनुलोम विलोम कर सकते हो अपने। जी 4 मिनट करेंगे, तो कॉलिंग पहले करें बाद में करें कोई संकोच वाली बात नहीं, ठीक है। अब आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद अपना गाइडेड मेडिटेशन चालू करिए, चाहे वो मेरा मेडिटेशन हो या आप बैल मेडिटेशन हो, या आपने खुद से अपने मन में अपना मेडिटेशन तैयार कर रखा है, तो उसके थ्रू आप सप्त चक्रों में एक एक करके 3-3 मिनट के लिए मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा, आज्ञा और सहस्रार चक्र में 3-3 मिनट का मेडिटेट करेंगे, सेल्फ हीलिंग करेंगे, जो कि 21 मिनट का होगा, समझे। 4 मिनट, 21 मिनट, अब आखिर में 5 मिनट किस में करेंगे। अब आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी समस्या चल रही होगी जो कि मणिपुर से रिलेटेड हो सकती है, स्वाधिष्ठान से रिलेटेड हो सकती है, आज्ञा से रिलेटेड हो सकती है, तो उस एक चक्र पे अगले 5 मिनट के लिए फिर से फोकस करेंगे, उसको फिर से हील करेंगे बिना कुछ बोले, शांति से हाथ रख करके। बस ये अफर्मेशन कीजिए कि मेरा आज्ञा चक्र हील हो रहा है, या मेरा मणिपुर चक्र हील हो रहा है, या मेरा अनाहत चक्र हील हो रहा है। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा चक्र आपको हील करने की ज़रूरत है, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा अपनी लाइफ में चलते हुए चीज़ों के हिसाब से, या आपके मास्टर जब आपको शक्तिपात देते हैं तो उनको भी ये चीज़ समझ में आ जाता है कि आपको इस चक्र पे ज़्यादा हीलिंग करने की ज़रूरत है। तो देखा कितना आसान, 4 मिनट का प्राणायाम, 21 मिनट का मेडिटेशन सेल्फ हीलिंग और 5 मिनट का विशेष चक्र पर ध्यान। ये पूरा होने के बाद आखिर में आप खुद को सुरक्षा चक्र में लॉक करेंगे, सफ़ेद, हरा और लाल, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सुरक्षित सुरक्षित सुरक्षित, आपने लॉक कर लिया। और अब आप अपने आप को रेकी हीलिंग से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, कर लीजिए। कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कट 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 आसान तरीका, या कट कट कट, या कट कट कट, डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट, ऐसे कई तरीके से हम कर सकते हैं। या ये भी ना करें तो पानी में अगर हाथ धोते हैं तो भी आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। डिस्कनेक्ट मतलब कि आप अपने क्लाइंट से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हो और उतरती हुई रेकी शक्ति से भी आपके हाथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप आज हीलिंग प्रैक्टिस की हो तो आप जुड़े हुए हो उस महान शक्ति से। आपको दिन में कभी भी किसी की हीलिंग करनी होगी तो आप सिर्फ एक बार रेकी हीलिंग को कॉलिंग करेंगे, वो मदर नेचर और रेकी हीलिंग मेरी सहायता कीजिए, और बस अपना चौकुरे बना करके आप, या जो भी सिंबल की ज़रूरत है उसका को बुला करके आप हीलिंग कर सकते हैं। पूरी लंबी चौड़ी प्रक्रिया अपनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो डिस्कनेक्ट करके आप अपनी रेगुलर लाइफ में बिजी हो सकते हैं। आधे घंटे की ये प्रक्रिया ज़रूर करना दोस्त, क्योंकि ये भी नहीं करोगे तो कैसे हीलर बनोगे। मैंने कोई बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया तो नहीं बताई, 24 अंक की हीलिंग करने में 1 घंटे 20 मिनट समय लगता है, तो मैं नहीं चाहता कि आप अनकंसिस्टेंट होकर के इसे छोड़ दें। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आधे घंटे की प्रैक्टिस आपको कंसिस्टेंटली रोज़ करनी है। सच बताऊँ तो ये ताम्र करनी है, ये मैं आज भी करता हूँ, यही मेरे लिए ध्यान साधना का एक काम बन गया है, एक रिचुअल बन गया है जो मैं रोज़ करता हूँ। और कोई अलग से मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, इससे फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इतना काफ़ी है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अपना एक वस्त्र, कोई भी पुराना सा उजला रंग का कपड़ा जैसे ये देखो, एक आसन बिछाने का और एक पानी का बर्तन संभाल के रखिएगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।